10 का एक टिकट पड़ता है आप, और उसके बाद हम लोग डालेंगे, फिशेज आएंगी यहाँ से। मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, यहाँ बड़ा पार्क है यार, दिन में इसको नहीं घूम सकते। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग, होप करते हो कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरह है कि यार अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने, ये तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। हम लोग पहुँच गए हैं जनेश्वर पार्क, और हम लोग आपको दिखाते हैं हम लोग कैसे टिकट ले सकते हैं और कैसे घूम सकते हैं यहाँ। बहुत कुछ है यहाँ पर जो और एंजॉयमेंट के लिए। वैसे तो हम लोग काफ़ी हैं, दो बंदे जो बहुत करते हैं, ठीक है। तो फिर आपको शो करती हूँ कैसे टिकट खरीद सकते हैं यहाँ पे आके। दो टिकट्स दे दीजिए, ये रहे दो टिकट्स, और ये 10 का एक टिकट पड़ता है 20 के। यहाँ पे चेक इन करानी पड़ती है टिकट को, समझे। वॉशरूम हाँ, तो लॉक है। कहीं जाना है, मैं आपको शो करती हूँ वेयर शी वांट टू गो। वॉशरूम जाना है और मुझे बहुत तेज से आई है। यू कैन गो नाउ। महिलाओं का वॉशरूम, या वुमेन्स टॉयलेट अगर आपको यूज करना है तो यू कैन यूज हियर, बिकॉज दिस इज सो मच फ्रेश। फ्रेश सॉरी, दिस इज नॉट सो मच फ्रेश, बट ये देख सकते हैं आप, और उसके बाद हम लोग डालेंगे, फिशेज आएंगी यहाँ से। देखो कितनी सारी हैं, ये सारी खाती हैं ऐसे, कितनी बड़ी बड़ी है ना। हाँ बहुत ही बड़ी है। ये अंकल यहाँ पे लेके आते हैं, पार्ले जी, ये खिलाने आते हैं मछलियों को। ये देखो अपनी तरफ इतने सारे लाए, ये है ग्रेटनेस इंडिया की। हाँ फाउंटेन देखो कितना सुंदर लग रहा है। पे ये लाइट्स लगी हुई हैं जो कि रात में बहुत सुंदर दिखती हैं यार, क्या ही खासियत बताऊं। दूर तक जहां तक आपकी नज़र जाएगी ना, वहां तक ये पार्क है। और ये देखो कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, देखो कितनी दूर तक यहां से वहां तक सब 110 लाइट्स लगी हुई है, और ये सब लोग टहल रहे हैं। जल्दी जल्दी से चलते हैं, क्योंकि पता है अब कितना भी मैं आप लोगों को दिखाऊं मैं नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा पार्क है और इसको पैदल हम घूम नहीं सकते, ठीक है। तो अभी हम जितना हो सकेगा फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये पीछे पीछे आ रही है, देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं। और ये क्या बना हुआ है, ये बैम्बू ट्रीज है। नहीं बैम्बू ट्रीज तो है, बट इसके वो क्या बना, व्हाट इज दिस, शायद वेल है ये। यस, और इसके अंदर मतलब देखो कितना खतरनाक, इसको बंद होना चाहिए था ना। इको करेगी आवाज, इको कर रही है। बैम्बू ट्रीज है ये, देखो कितना सुंदर दिख रहा है। सर हवेली है वैसे, कुआं हुआ कुछ नहीं है। ये सब मटेरियल रखा हुआ है, ये सब अभी कहीं कहीं एडजस्ट होगा, कहीं पे लगेगा। ये लाइट है, लाइट जो कि टूट चुकी है, रात में ही जलती है। और मैं क्या ही बताऊं, ये ऐसी पर्सन है ना कि उसके ऊपर मुझे गुस्सा भी आ रही है और हंसी भी आ रही है, अकेले अकेले जा रही ना, क्या कहें क्या कहें। ये स्लो वॉकर हैं, बहुत धीरे धीरे चलती हैं, आप इनके साथ चलेंगी, चींटी भी बहुत तेज चल सकती है इनसे। मैं मुझे इतनी स्पीड नहीं, और मैं बनाना की इतनी स्पीड नहीं चाहती हूँ। और अभी हम यहाँ, इसके नीचे बहुत सारी मछलियाँ हैं, दिखाऊँ, मैट पड़ी हुई नहीं दिख रही यार, कितना बड़ा है ना। ये मूर्ति है, पीछे से है, आगे से हम आपको दिखाते हैं। बहुत बड़ी मूर्ति बन रखी है ना। ये यहाँ पे प्लेन है, जूम है, लग रहा बस उड़ने जा रहा है। ये फ्रूट लगे ना, पत्ती है ना, कुछ है यार, ये है क्या आखिर, क्या है ये। ये सब नूर के दोस्त हैं यार, मे बी देख लेते हैं। टर्माइट वाइट एंड भी बोलते हैं, टर्माइट आया ना। फाउंटेन बॉब, पानी देखो कैसे स्पीड में आ रहा है।
ये यहाँ पे पुल बना हुआ है और काफी सुंदर लग रहा है यार। यहाँ पे इसका टिकट घर है। बाहर और अभी यहाँ पे रेस्ट करने के लिए बना हुआ है, जैसे कि बहुत सारे इतना बड़ा पार्क है ना, थक जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं आराम से। कुछ खाना है तो यहाँ पे आप लोग खा सकते हो, आइसक्रीम भी यहाँ पे है, मिलती है। मैप है, पार्किंग गेट, झील, फव्वारा, हाँ ये पूरा मैप है। इतना बड़ा है पार्क, बताओ बड़ा है, बहुत बड़ा। और मैं हम लोग अभी इसका आधा ही घूमे, इसका आधा से आधा घूमे है ना, इतना बड़ा है, काफी बड़ा है, हम लोग नहीं घूम पाए। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, अब हम लोग घर जा रहे हैं, अब हम लोग भाई घूम चुके बहुत ज्यादा, घर जा रहे हैं।